हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान और आज की वीडियो में मैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशल प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे नीचे कमेंट्स करके बोला था कि एक सिंगल हैंडेड गेमिंग कीबोर्ड लाने के लिए। तो दोस्तों आपकी रिक्वेस्ट पे ही मैंने यहाँ पे खरीद लिया एक सिंगल हैंडेड गेमिंग कीबोर्ड। और ये जो कीबोर्ड है पूरी तरीके से मैकेनिकल कीबोर्ड है, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। तो ये आ जाता है ZEBRONICS की तरफ से, इसका नाम है ZebMax Atom। बॉक्स देख सकते हो इस तरह के छोटे से और कॉम्पैक्ट से बॉक्स में मिलता है हमें ये कीबोर्ड। तो यहाँ पे इसके ढेर सारे फीचर्स भी दिए गए, जैसे कि इसके अंदर हमें 37 कीज देखने को मिलते हैं और इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया कीज देखने को मिलते हैं। ब्रेडेड केबल है, आरजीबी लाइट भी दी गई है इसके अंदर, हेवी ड्यूटी है, 12 एलईडी मोड्स भी देखने को मिलते हैं हमें इसके अंदर। और दोस्तों 5 कस्टमाइजेबल माइक्रो कीज भी मिलते हैं इसके अंदर, डिटैचेबल टाइप सी केबल मिलता है। और देख सकते हो गाइस इतने ढेर सारे फीचर्स दिए गए हैं इस कीपैड के अंदर। बॉक्स के पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूँ वापस से, वही सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। बॉक्स काफी ज्यादा प्रीमियम दिखाई देता है और इसकी पैकिंग भी आप देख सकते हो काफी बढ़िया पैकिंग है। तो चलो दोस्तों बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से इस बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। दोस्तों मैंने इसे खरीदा है अमेजोन से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां से जाकर इस मैकेनिकल सिंगल हैंडेड कीबोर्ड को खरीद भी सकते हो। तो फटाफट से मैं कीबोर्ड निकाल लेता हूँ, आज पूरी तरीके से इस कीबोर्ड को टेस्ट भी करके बताऊंगा और मैं आपको गेमिंग भी करके बताऊंगा इसके अंदर गेमिंग खेलने में कितना ज्यादा मजा आता है। तो ये है इसका केबल, डिटैचेबल केबल है और ये है की पुलर। तो फटाफट से हमारी कीबोर्ड को निकाल लेते हैं। पहले बात करते हैं गाइस इस कीबोर्ड की क्वालिटी के बारे में। तो भाई देख रहे हो एकदम मस्त जबरदस्त क्वालिटी है इस कीबोर्ड की, काफी अच्छा मटेरियल यूज किया गया है इस कीबोर्ड को बनाने के लिए। यहाँ पे ZEBRONICS की ब्रांडिंग भी दी गई है। जहां तक बात करूंगा इसमें इसके कीज की, आप इसके कीज की आवाज सुन सकते हो, पूरी तरीके से मैकेनिकल ब्लू स्विचेस दिए गए हैं इसके अंदर। तो सुन रहे हो गाइस एकदम छकाछक आवाज आती है इसके अंदर से। यहाँ पर देख रहे हो 5 मैक्रो कीज भी मिलती है हमें, यहाँ पे है फंक्शन की और यहाँ पे भी एक की देखने को मिलता है। तो ओवरऑल कीबोर्ड की जो क्वालिटी है एकदम जबरदस्त लगी मुझे। इस तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली वॉल्यूम जो है अप डाउन कर सकते हो। ये एक बटन है, ये पूरी तरीके से ऊपर की ओर नहीं जाता है गाइस। यहाँ पर देख रहे हो इस तरह से क्लिक की एक साउंड आती है, इसे प्रेस करने पर वॉल्यूम ऊपर हो जाता है, इसे नीचे प्रेस करने पर वॉल्यूम जो है डाउन भी कर सकते हो। कीबोर्ड के पीछे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो अच्छी खासी रबर की पैडिंग भी दी गई है चारों तरफ, ताकि ये जो कीबोर्ड है स्लिप ना हो सके। तो ओवरऑल इसकी जो क्वालिटी है मेरे को काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगी। तो अभी इसका कंफर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो कीबोर्ड है खास तौर पे गेमिंग के लिए बनाया गया है, जो लोग लॉन्ग टाइम गेमिंग करते हैं उन लोगों के लिए ये जो कीबोर्ड है एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पे देख रहे हो गाइस मैं इस तरह से हाथ भी रख के आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे रिस्ट को जो है इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे देख रहे हो ये जो पैड है इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है ताकि हमारे रिस्ट को अच्छे से सपोर्ट मिल सके इस तरह से। तो भाई काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक हम इसके साथ गेमिंग भी कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे जो मटेरियल दिया गया है पूरी तरीके से प्लास्टिक है और काफी ज्यादा स्मूथ सरफेस है यहाँ पर। तो अभी इसका केबल जो है, केबल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख रहे होगा इस पूरी तरीके से ब्रेडेड केबल दिया गया है। इस तरफ है माइक्रो यूएसबी और इस तरफ जो है टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है। तो इसे मैं कनेक्ट भी कर देता हूँ, यहाँ पर लगा देते हैं इसे और इसे लगाना होता है हमारे पीसी के अंदर। तो इसके स्विचेस भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, देखते हैं स्विचेस की क्वालिटी जो है कैसी है। इस टूल के मदद से हमें स्विचेस निकालना होता है, इसे लगा देंगे और ऊपर की तरफ इस तरह से पुल कर देंगे तो कीज जो है बाहर आ जाते हैं। तो देख रहे हो गाइस पूरी तरीके से ब्लू कलर के स्विचेस दिए गए। तो चलो दोस्तों अभी फटाफट से इसको मेरे लैपटॉप से कनेक्ट करके थोड़ी बहुत मैं आपको गेमिंग भी करके बताऊंगा और इसके अंदर आरजीबी भी हम लोग चेक कर लेंगे। बॉक्स के ऊपर लिखा था कि इसके अंदर 12 डिफरेंट टाइप्स के आरजीबी मोड्स दिए गए हैं। दोस्तों इस कीपैड को मैंने कनेक्ट कर दिया है मेरे लैपटॉप से, जैसे हम इसे कनेक्ट करते हैं यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर आरजीबी भी ऑन हो जाती है। तो ये जो ऊपर वाले कीज यहाँ पे आप देख रहे हो, ये 5 कीज जो है मल्टीमीडिया कीज की तरह भी इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वीडियोस को नेक्स्ट करना है या फिर बैक करना है यहाँ से आप कर सकते हो, MP3 को नेक्स्ट या फिर बैक कर सकते हो, या फिर वीडियो को प्ले या फिर पॉज भी यहाँ से आप चाहे तो कर सकते हो। ये जो नीचे के 6 कीज नजर आ रहे हैं यहाँ से हम आरजीबी चेंज कर सकते हैं। एक की के अंदर 2 आरजीबी के अलग अलग मोड दिए गए हैं, मैं आपको चेंज भी करके बताता हूँ। इन्हें चेंज करने के लिए हमें पहले प्रेस करना होता है FN, FN के बाद प्रेस करेंगे ये
ये हो गई एक, ये हो गया दूसरा आरजीबी मोड, ये देख रहे हो गाइस, ये हो गया तीसरा आरजीबी। वापस से चेंज करते हैं इसे, ये भी देख रहे हो मैं जो बटन को प्रेस कर रहा हूं उसके अंदर लाइट जल रही है। तीसरा भी चेंज कर देते हैं। इस लाइन के अंदर जितने भी कीज है पूरी की पूरी लाइन के अंदर यहाँ पे आरजीबी आ रही है, तो ये एक अलग है। तो यहाँ पे हमें टोटल 12 आरजीबी के मोड्स देखने को मिलते हैं। तो भाई काफी अलग अलग किस्म की आरजीबी दी गई है इसके अंदर, और इसकी जो आरजीबी है काफी ज्यादा ब्राइट है गाइस। यहाँ पे ये जो पांच कीज आप देख रहे हो इन्हें हम चाहे तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो चलो दोस्तों अभी इस कीबोर्ड को यूज करके मैं आपको कुछ गेमिंग भी करके बताता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग जो है फटाफट से खेलने वाले हैं GTA 5 गेम, देखते हैं इस कीपैड का परफॉर्मेंस कैसा है। दोस्तों इसके कीज जो है काफी ज्यादा टेक्टाइल लगे मेरे को, क्योंकि इसके अंदर जो है ब्लू स्विचेस दिए गए हैं। वही कीज भी जो है काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। Oh damn, homie. Give me a card, dog. Hey, look out for fools like me. तो काफी ज्यादा कंफर्ट है। दोस्तों अगर आप एक कीपैड खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से जाकर इसे खरीद भी सकते हो। दोस्तों इस कीपैड को जो है मैं अभी मेरे मोबाइल से भी आपको जोड़ के बताने वाला हूँ, वहां पर मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगा। तो चलो अभी मैं जोड़ता हूँ मेरे मोबाइल के साथ। दोस्तों इस कीबोर्ड के साथ मैंने जो है एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी किया है, यहाँ पे देख रहे हो कीबोर्ड को जो है मैंने मेरे मोबाइल के साथ जोड़ा है और इस माउस को भी जो है मोबाइल के साथ जोड़ दिया है। यहाँ पे देख रहे हो ये है USB हब, इसके अंदर सारे कनेक्शंस मैंने लगा दिए हैं। यहाँ पे मैं भी कोशिश करूँगा एक गेम खेलने के लिए, तो फ्री फायर ट्राई करते हैं गाइस। अगर मान लो फ्री फायर अगर इसके अंदर हम खेल लेंगे तो पबजी भी बड़ी आराम से खेल लेंगे। तो BGMI भी मैंने इसके अंदर ऐड करके रखी हुई है। पहले फिलहाल मैं आपको फ्री फायर खेल के बता देता हूँ। तो भाई गेम तो ऑन हो चुकी है। तो भाई गेम लॉन्च भी हो चुकी है यार, देखते हैं। तो भाई सीधा चलते हैं ट्रेनिंग मोड के अंदर। ओके तो देख रहे हो गाइस, तो भाई गेम जो है ठीक ठाक चल रही है बिना कोई लैग के। दोस्तों एक सिर्फ मैंने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है।
दोस्तों अगर आप नीचे कमेंट्स में बोल दोगे तो मैं इसे किस तरह से सेट करना है नेक्स्ट वाली वीडियो में बना के भी आपको दिखा दूंगा। देख रहे हो यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन भी आप कर सकते हो। दोस्तों ओवरऑल इस कीबोर्ड के डिज़ाइन के ऊपर ज़ेब्रोनिक्स ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। मेरे को ये जो कीबोर्ड का डिज़ाइन है पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, और दोस्तों इसका जो कंफर्ट है ये भी बढ़िया है, और कीज़ की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि इसके अंदर ब्लू मैकेनिकल स्विचेस दिए हुए हैं। ओवरऑल कीबोर्ड जो है देखने में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिखता है। दोस्तों आपको ये कीबोर्ड कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। दोस्तों आज मैं देने वाला हूं 10 लोगों को शाउट आउट, तो यहां पे सबसे पहला नाम आ जाता है शौर्या गौतम, अनुज गुप्ता, अरविंद दास, सुनील कुमार, सार्थक, मिहिर, गोपाल, राहुल, प्रभात, मानिक राव। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी आप अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड, मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इस तरह कुछ धमाकेदार गैजेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।